जय भीम नमो बुद्धाय। कर्नाटक में चल रहे हिजाब के हिंसा को आप सभी लोगों ने देखा है। ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट होने के कारण, कोर्ट में ये मामला होने के कारण मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इनके बेटे ने, हालांकि वो भी एक प्रोटोकॉल पर है, मिनिस्ट्री में है, मिनिस्टर है, लेकिन मैं उनका उल्लेख महाराष्ट्र के सीएम का बेटा यही करना चाहता हूं, क्योंकि उसके अलावा एज अ मिनिस्टर उनकी कोई पहचान नहीं है। आदित्य ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि स्कूल ये सिर्फ पढ़ाई करने के लिए होती है, वहां पर धर्म और राजनीति ना लाई जाए। मैं मिस्टर आदित्य ठाकरे का इस बयान का स्वागत करता हूं और ये उनको कहना चाहता हूं कि ये नियम सिर्फ हिजाब तक ना रखे। जितने भी स्कूल पूरे भारत भर में है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर में जितने भी स्कूल है, जितने भी कॉलेजेस है, उन सभी स्कूलों में से, सभी विद्यार्जन करने वाले प्लेसेस, ठिकानों में से मैडम सरस्वती, मैडम दुर्गा, इनकी जितने भी मूर्तियां हैं, प्रतिमाएं हैं, ये हटवाई जाए। सुबह सुबह हमारे बच्चे, चाहे वो जूनियर केजी का हो, सीनियर केजी का हो, या टेंथ का हो, या ट्वेल्थ का हो, उसे सुबह सुबह खड़ा करके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रार्थना करवाई जाती है। ये प्रार्थनाएं सभी स्कूलों में से, सभी कॉलेजेस में से, सभी प्री स्कूलों में से तुरंत हटवाई जाए, तुरंत बंद किया जाए। ये नियम सिर्फ हिजाब तक ही मर्यादित। आपको अगर मुसलमान इन सारे जो काल्पनिक देवी देवता हमारे ऊपर विद्या के देवी देवता के तौर पर बिठाए हुए हैं, इनको भी हटाना होगा। अगर विद्यार्जन करने वाले कोई इस देश में सही में व्यक्ति है तो वो माता सावित्री माई है, उनके प्रतिमाएं लगाए, उनकी मूर्तियां बिठाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह हमारे बच्चों को मैडम दुर्गा की आरती जो हम लोग देखते हैं, वो आरती हमारे बच्चों से पढ़वाई जाती है। नेशनल एंथम को भी पीछे छोड़कर इसे नेशनल एंथम के तौर पर, वंदे मातरम के तौर पर दुर्गा की आरतियां हमारे बच्चों को पढ़वाई जाती है, ये बंद किया जाए। हिजाब अगर गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है, अगर वो स्कूल में नहीं चलता तो ये सारी बातें भी स्कूल में नहीं चलनी चाहिए। यही मेरी मांग है और इसके लिए मैं चाहता हूं कि देश भर के सभी लोगों ने ये मांग करनी चाहिए कि सिर्फ हिजाब ही नहीं, नॉट ओनली हिजाब, बल्कि ये जो 33 करोड़ देवी देवताएं जो हमारी किताबों में घुसाई गई है, आज भी हमारे पाठ्य पुस्तकों में ग से गणपति आता है, आज भी हमारे स्कूलों में प्रवेश करते ही किसी सरस्वती को हमारे सर पर बिठाया गया है। ये सारी बातों को स्कूलों में से, कॉलेजेस में से निकाला जाए, सिर्फ हिजाब सिलेबस से, स्कूलों के व्यवस्थाओं से हटाया जाए। यही मेरी मांग आदित्य ठाकरे को होगी, कर्नाटक सरकार को होगी, केरल सरकार ने भी इसमें नियम बनाने का काम शुरू किया है, तो मैं कम्युनिस्टों के केरल सरकार से भी ये मांग करूंगा, सिर्फ हिजाब ही नहीं, ये सारी प्रथाएं भी स्कूलों में से और कॉलेज में से बंद होनी चाहिए। जय भीम नमो बुद्धाय।